सो हाय गाइस, मैं आ चुका हूँ एक नई वीडियो के साथ, एक नए व्लॉग के साथ, जिसमें आप लोगों को दिखाऊंगा कि आज हम लोग कैसे अपना गेमिंग पीसी बिल्ड कराएं और क्या क्या उसमें हुआ है। काफ़ी अच्छे से हमारा गेमिंग पीसी बन चुका है, तो चलो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। तो एक छोटा सा ब्लॉग है, तो आप इसको पूरा देखना, मैं आपको सब कुछ बताऊँगा। तो यहाँ पर हम लोग बता दें, हम लोग गए हुए थे लखनऊ में। जी हाँ, लखनऊ में हम लोग गए थे, लखनऊ सिटी में। काफ़ी अच्छा लखनऊ है, मेरे को भी काफ़ी अच्छा लगा वहाँ पर। स्पेशली बहुत अच्छे अच्छे कंप्यूटर्स, पीसी, लैपटॉप बनते हैं, काफ़ी अच्छे वहाँ पर रिपेयरिंग सेंटर है, वहाँ पे पीसी बिल्ड भी हो जाता है, गेमिंग पीसी काफ़ी सारे बंदे बनाते हैं, आप लोगों को पता ही होगा। तो हम लोग यहाँ पहले पहुँच चुके थे, यहाँ पर हम लोग आए थे, यहाँ पर जॉम्बी टेक के गोदाम में हम लोग डायरेक्ट आ गए। कॉल किया हम लोगों ने मोहित भैया को और उन्होंने बोला गोदाम पे आ जाओ, तो यहाँ पर हम लोग आ चुके थे। और यहाँ पर हम लोग पहले ही सब कुछ बता दिए थे, व्हाट्सएप पे हमारी चैटिंग हो रही थी। यहाँ पर हम लोग सारे कैबिनेट, कूलर, यहाँ पर देख लो कीबोर्ड, माउस, सब कुछ हम लोगों को यहाँ लाला के दिया जा रहा है। सब कुछ हम लोगों को दिखाया जा रहा था कि कैसे कैसे आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर देख लो MSI का मदरबोर्ड है, पावर सप्लाई है, काफ़ी कुछ यहाँ पर हम लोग डायरेक्ट गोदाम में से ही ले रहे थे। और ये जो जॉम्बी टेक है, मुकेश भैया और मोहित भैया चलाते हैं, काफ़ी अच्छे बंदे हैं, आप लोग जाके इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आपको भी पीसी बिल कराना होगा। तो यहाँ से हम लोगों ने अपना कैबिनेट ले लिया। और ये देखो, ये है हमारे मोहित भैया जो जॉम्बी टेक में है, और ये देख लो इन्हीं का चैनल है जॉम्बी टेक, आप जाके चेक भी कर सकते हैं। तो यहाँ से हम लोगों ने अपना सारे सामान ले चुके थे, और कुछ कुछ सामान कुछ बंदे ला रहे थे। तब तक हम लोग उनके घर पर स्टूडियो पर जा रहे थे, ऑफिस टाइप था, 5 मिनट का रास्ता था, तो हम लोग पहुँचे। उन्हीं की कार थी, काफ़ी अच्छे से वो ट्रीट कर रहे थे हम लोगों को, काफ़ी हेल्प कर रहे थे। तो यहाँ से देख लो इनके बिल्डिंग में, इसी के अंदर यहाँ पर ऑफिस है, उसी में यहाँ पर एक स्टूडियो जहाँ पर हम लोग रिकॉर्ड करेंगे। तो यहाँ से हमने अपने कैबिनेट, जितने भी पीसी की चीज़ें थी, वो सब हम लोग यहाँ से निकाल रहे थे। तो ये देख लो, यहाँ पर हम लोग का ये कैबिनेट है, कीबोर्ड, माउस, काफ़ी कुछ है। और एक दो चीज़ छूट रही थी, मॉनिटर, वो सब छूट रही थी, तो वो एक भैया लेके आ रहे थे। तब तक हम लोगों ने जितना भी बाकी का सामान था, सब कुछ यहाँ से हम लोग निकाल लिया था। पहले क्या हुआ था, पहले हम लोग लेने वाले थे 24 इंच का मॉनिटर, लेकिन हम लोगों को मॉनिटर काफ़ी छोटा लग रहा था, तो हम लोगों ने 27 इंच के लिए बोल दिया उन लोगों को। वो भी काफ़ी हेल्प कर रहे थे हमारी, जो जो हम लोग सामान बोल रहे थे वो सब ला रहे थे, बहुत ही अच्छे बंदे थे। अगर मैं आपको पहले भी बोल रहा हूँ, अगर आपको गेमिंग पीसी बिल्ड करवाना है, तो मैंने लिंक में, सॉरी, मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सब कुछ दे रखा है। जॉम्बी टेक के चैनल का नाम, आपको फ़ोन नंबर, सब कुछ मिल जाएगा, आप डायरेक्ट इनको कॉल कर सकते हैं और अपना पीसी बनवा सकते हैं। आप चाहे तो ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन जा कर भी आप अपना पीसी बना सकते हैं। मैंने तो यहाँ ऑफलाइन बनाया, मेरे को घूमना भी था लखनऊ, तो काफ़ी मज़ा आए। तो यहाँ पर हम लोगों ने पहले लिफ्ट से जाके ऊपर गया, ऊपर जो स्टूडियो रहती है, वो ऑफिस था, वो बहुत बड़ा ऑफिस था, उसी में हम लोगों को स्टूडियो था। वहाँ पर हम लोगों ने ग्रीन स्क्रीन पे वीडियो रिकॉर्ड की, काफ़ी कुछ किया। तो चलते हैं अंदर पहले, तो भाई बहुत जल्दी जल्दी हम लोगों को ये काम करना था, क्योंकि हमारे पास सिर्फ एक ही दिन था। तो हम लोगों ने जल्दी जल्दी सब कुछ सामान लिया, सबको इधर से इधर भाग रहे थे, हम लोगों ने बिल बनाया, काफ़ी कुछ, सब कुछ आपको ये A to Z करके चीज़ बताते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं आती है। तो हम लोगों ने यहाँ जल्दी जल्दी सब कुछ कर दिया था। और जैसे ही हम लोगों ने इनके ऑफिस में गया, भाई साहब ऑफिस काफ़ी अच्छा, स्टूडियो भी काफ़ी अच्छा इन्होंने बना रखा था। ये लोग बोल रहे थे कि नया स्टूडियो बनने ही वाला था, तो हम लोग भी सोचे, हम लोग को डायरेक्ट मन में ख्याल आया कि हम लोग वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं कि नहीं। तो इन्होंने ही बोला कि हाँ कर सकते हैं, मैं भी अपना यूट्यूब चैनल पर डालूंगा, तुम भी डालना। तो मैं एक टाइप का BTS और ब्लॉग डाल रहा हूँ, तो एडजस्ट कर लेना। और हाँ, इसमें थोड़ी मोड़ी गलतियाँ हैं, जैसे कि थोड़ा फ़ोन मेरा शेक कर रहा था, मैं कोई सेल्फी स्टिक लेके नहीं गया था, तो थोड़ा इसको इग्नोर मारना। और हाँ, कमेंट में बताना कि मेरे को क्या क्या करना चाहिए। ये देख लो, यही है उनका ऑफिस, यहाँ पर आप सब कुछ देख सकते हैं, काफ़ी अच्छा इनका ऑफिस है, पीछे ऑफिस था। और ये है हमारा स्टूडियो जिसमें हम लोगों ने वीडियो रिकॉर्ड किया था। ये देखो, सारे सामान यहाँ रख दिए थे। रियल नाम वरुण हो गया, नेपाल बॉर्डर के पास, नेपाल बॉर्डर, पूरा बंद कर दिया, पूरा लगा ही दिया। तो मैं बताना चाहता हूँ, मैं थोड़ा सा बीमार हो गया था,
नहीं, जो आप सोच रहे हैं वो नहीं हुआ है मुझे, कोविड नहीं था मुझे। प्रॉब्लम ये थी कि मुझे थोड़ा सा पैर में दर्द और मेरा एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था, पैर में मेरे थोड़ी सी चोट लग गई थी, तो इस वजह से मैं ऑफिस नहीं आ पा रहा था। और ये जो वक्त चल रहा है, जो आप लोगों की कोरोना काल चल रहा है, उससे तो सब लोग परेशान है, मतलब मैं भी परेशान हूँ, मेरे साथ में जितने बिजनेस करने वाले हैं वो परेशान है, और जो यूट्यूबर्स हैं एक्चुअली वो भी परेशान है। और बताना चाहूंगा कि मेरे पास एक नया बिल्ड आया है, जैसे कि आप देख रहे हो ये बिल्ड। तो इस बिल्ड में बताने से पहले मैं बता देता हूं कि ये बिल्ड है किसका। एक्चुअली जो ये बिल्ड है वो बिहार के आसपास से आया है, और जिनका ये बिल्ड है वो स्ट्रीमिंग करते हैं, गेमिंग करते हैं, उनका एक यूट्यूब चैनल भी है। यूट्यूब चैनल का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और जो नाम है उनके चैनल का वो है बग वीव, जो कि वरुण जी चलाते हैं इस चैनल को, और बहुत ही अच्छे प्लेयर है। अगर आप जाके उनका चैनल आप देखोगे तो आपको भी बहुत मजा आएगा। तो जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं, मैं उनको कहना चाहूंगा कि उस चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर उस चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं तो प्लीज ये भी एक चैनल है जिसको आप सब्सक्राइब कर सकते हो, नीचे जो लाल बटन है आप उसको प्लीज प्रेस कर देना, क्योंकि बहुत दिनों बाद आया हूं, तो थोड़ा प्यार मुझे और दीजिए ताकि मैं जल्दी से और सही हो जाऊं। पूरी तरीके से सही हुआ नहीं हूं, लेकिन अगर कुछ सब्सक्राइबर और कुछ लाइक्स मुझे मिलेंगे तो मेरे अंदर भी मोटिवेशन आएगा और मैं भी सही हो जाऊंगा और आपके लिए ऐसे ही वीडियोस लाता रहूंगा। तो स्टार्ट करता हूं, डिस्क्रिप्शन देता हूं आपको कि क्या क्या इस बिल्ड में मैं स्टार्ट यूज करने वाला हूं। तो स्टार्ट करता हूं इसके प्रोसेसर से, जो हम राइजन 5 यूज कर रहे हैं 5600X, जो कि बेस क्लॉक है इसकी 3.2, और जो मैक्सिमम बूस्ट हो जाता है वो 4.7 गीगाहर्ट्ज़ तक बूस्ट हो जाता है। ये 7 nm की टेक्नोलॉजी पे बना है FinFET पे, और जो इसका गेमिंग परफॉर्मेंस है, अगर आप एक बजट पीसी और एक हाई एंड पीसी के बीच का एक परफॉर्मेंस चाह रहे हैं तो आप ये प्रोसेसर कंसीडर कर सकते हो। मदरबोर्ड पे आता हूं, मदरबोर्ड इसमें जो चिपसेट यूज कर रहे हैं X570 MSI की तरफ से आने वाला गेमिंग यूज कर रहे हैं इसमें। इसमें वाईफाई और ब्लूटूथ दोनों इंक्लूडेड है, तो आपको एक्स्ट्रा कहीं आपको ब्लूटूथ डोंगल और वाईफाई के डोंगल्स लगाने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। और जीपीयू सबसे मेन पार्ट, तो जीपीयू के लिए मैं सबसे पहले एक्रो इंजीनियरिंग कंपनी का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा, जो इतने कठिन समय में मुझे ये ग्राफिक्स कार्ड अवेलेबल करा पा रहे हैं और इस प्राइस रेंज में अवेलेबल करा पा रहे हैं। आप मतलब पूरे मार्केट में ऑनलाइन कहीं भी ग्राफिक्स कार्ड है ही नहीं, अकाल पड़ा हुआ है, लेकिन एक्रो मतलब दिल से शुक्रिया उनको कि जो मुझे ये ग्राफिक्स कार्ड अवेलेबल करा पा रहे हैं। सेकेंड, SSD जो यूज कर रहे हैं इसमें हम लोग सैमसंग की ईवो 500GB की यूज कर रहे हैं, जिसकी राइट स्पीड है 3500 MB/s और राइट स्पीड है 3300 MHz। सो गाइज, तो वो वीडियो रिकॉर्ड हो जाने के बाद यहाँ पर सब चीज़ की अनबॉक्सिंग हो रही थी। ये रहा हमारा प्रोसेसर, इसकी अनबॉक्सिंग हो रही थी, सब कुछ हो रहा था, और ये सब आपको वीडियो मिलेंगे जॉम्बी टेक के चैनल पे, ठीक है ना। वहाँ पर आपको ये वीडियो जैसे आएगी तो मैं आपको बता दूंगा। अगर आप अभी अगर जिस टाइम मैं अपलोड कर रहा हूं, अगर इस टाइम वीडियो आ गई होगी तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया होगा, या फिर आप उनके चैनल को जाकर सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और यहाँ पर हमारा MSI का मदरबोर्ड, गेमिंग मदरबोर्ड है, वाईफाई के साथ आता है, काफ़ी अच्छा मदरबोर्ड था। आप ये देख लो, काफ़ी पसंद आया, बहुत ही अच्छा है। तो यहाँ पर आप देख लेना, काफ़ी अच्छे अच्छे चीज़ें इसमें हम लोग इस्तेमाल किए हैं, काफ़ी मस्त है, और काफ़ी मेरे को बजट में मिल चुका था, प्राइस के रेंज में मिल चुका था मेरे को। और ये देख लो, यहाँ पर हमारा प्रोसेसर लगने जा रहा था जो था राइजन का। ये देख लो भाई साहब, इसको बहुत ही आराम से डालना होता है, भैया सिखा रहे थे कि कैसे कैसे इसको रखा जाता है, कैसे लगाया जाता है। अगर आप PC बिल्ड कर रहे हैं तो ये देख लो, पूरा देखना, देख लो यहाँ पर कितना अच्छा मदरबोर्ड है, यहाँ साइन इन भी कर रही है, और यहाँ पर बता रहे थे कि कैसे इसको लगाना होता था। ये देखो यहाँ पे एक बस वहाँ पे जाके पुट कर दिया, और यार देखो कितना आसानी से यहाँ प्रोसेसर लग चुका है, काफ़ी इजीली यहाँ पे भैया ने लगा दिया था, और काफ़ी मस्त है। और यहाँ देखो, यहाँ पर जो हमारा यहाँ पर SSD लगने वाला था, तो यहाँ पर MSI का ये वाला क्लिप फटने वाला था, यहाँ से नट खोल के यहाँ से हटा के, और यहाँ पर RAM और SSD, हम लोगों ने बेसिकली यहाँ पर दो SSD लगाए, और पहला था 500GB का और दूसरा था 512GB का। हार्ड डिस्क हमने नहीं लगाया, हार्ड डिस्क क्यों नहीं लगाया, क्योंकि हम लोगों को जल्दी जल्दी फाइलें खोलनी थी, गेम्स काफ़ी सारे इंस्टॉल करने थे, तो वही हम लोगों ने लगाया। तो यहाँ पर देख लो, इन्होंने लगा दिया, काफ़ी जल्दी यहाँ पर लग चुका था, और ये देखो। तो गाइस, जिस चीज का इंतजार था वो मेरे सामने है, और ये रहा iChill Eno 3D की तरफ से आने वाला GeForce RTX 3060, जिसकी जो RAM है वो 12GB है, और 120 का जो मेमोरी इसका स्लॉट है, 4K ओवरक्लॉकिंग और लो नॉइस के साथ आता है।
और सबसे थैंक्स टू एक्रो इंजीनियरिंग कंपनी जिनकी वजह से ये मेरे हाथ में है। तो आज की डेट में जिसके हाथ में ये चीज है ना, वो उसकी कीमत समझ सकता है कि क्या है ये चीज। तो अनबॉक्स कर लेता हूं इसको जल्दी से। So, सबसे पहले हमको मिलता है ये इंस्टॉलेशन गाइड। तो हम इस इंस्टॉलेशन गाइड का कुछ नहीं करने वाले हैं क्योंकि ये हमको बता रहे हैं कि ये हमें कैसे लगाना है, लेकिन हम ये 10-15 बार लगा चुके हैं तो हमें कोई जरूरत नहीं। ये इनू 3D की तरफ से पावर सप्लाई की गाइडलाइन है। तो इससे पहले मैं बता चुका हूँ कि क्या क्या पावर सप्लाई इसमें यूज कर सकते हैं हम लोग, और जो हम 750 वॉट यूज कर रहे हैं इसके अंदर वो इनफ है इस ग्राफिक्स कार्ड के लिए। और ये है वारंटी डिस्क्लेमर, इसमें लिखा हुआ है कि भाई क्या क्या रीजंस की वजह से अगर ग्राफिक्स कार्ड खराब होता है तो आप क्लेम नहीं कर पाओगे, तो उस चीजों का ध्यान रखना है, मैं कस्टमर को ये बता दूंगा। और नेक्स्ट अब इसको ओपन करते हैं। ये रहा हमारा आईशील्ड की तरफ से आने वाला ग्राफिक्स कार्ड। तो इसका पहले तो मैं सील ओपन कर देता हूं। ये रहा इसकी बैक प्लेट पे पैकेजिंग दी गई है GeForce RTX by Inno 3D iChill का जो ये ब्रांड नेम है इसके लिए हम लोग यूज कर रहे हैं। और ये आता है 3 फैन के साथ। सो इसमें यहाँ पे RGB लाइट्स लगी हुई हैं जो देखने में बहुत ही सेक्सी लगती हैं। और ये है इसका पावर जहाँ से इसमें पावर सप्लाई जाएगी, और ये है इसका PCI स्लॉट जिसको हम अभी मदरबोर्ड पे लगाएंगे। एक बहुत ही अच्छा बिल्ड क्वालिटी का लग रहा है क्योंकि जो इसके अंदर जो इसके कूलिंग टेक्नोलॉजी है, मतलब कि इसमें इतना ज्यादा कूलिंग के लिए लगा हुआ कि देख रहे हैं फ्रेंड्स, बहुत बढ़िया लग रहा है। क्योंकि एक ट्विन फैन वाला भी आता है उसके अंदर इतना नहीं देखने को मिलता है, लेकिन हाँ इसके अंदर 90mm के 3 फैन लगे हुए हैं तो बेहतरीन कूलिंग मिलेगी आपको। तो इंस्टॉल करते हैं, पहले इसको मैं साइड में रख देता हूँ, पहले कैबिनेट में मदरबोर्ड इंस्टॉल करते हैं उसके बाद इस ग्राफिक्स कार्ड को लगाएंगे। ठीक बोला, देख लो यार तुम लोग, भाई साहब जो शूटिंग होती है ना PC बनाना बहुत ही हार्ड होता है। हम लोग 4 घंटे से लगे पड़े हैं, बहुत ही मुश्किल। देख रहे हो यहाँ पे पूरा स्टूडियो फैला हुआ है, और यहाँ पे हमारा प्यारा सा ग्राफिक्स कार्ड, थोड़ा देना इधर, ये देख लो 3 फैन के साथ आता है भाई साहब, एक नंबर। और यहाँ देखो हमारा जो शूटिंग सब कुछ ग्रीन स्क्रीन के साथ, ये सब ज़ॉम्बी टैग पे आएगा। हेलो मुकेश मिश्रा फ्रॉम ज़ॉम्बी टेक। भाई लोगों का PC बिल्ड हो रहा है, होप आप लोग एंजॉय कर रहे होंगे PC बिल्ड का। और हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, बहुत मेहनत लग रही है, प्यास भी बीच बीच में लग रही है, लेकिन हाँ अब से स्टॉप वॉच लगाऊंगा और आधे घंटे के अंदर ये PC बिल्ड मुझे खत्म करना है। सो स्टार्ट कर दीजिए आप स्टॉप वॉच। तो यहाँ पर हमारा RTX 3060 वो भी अनबॉक्स हो चुका था, और यहाँ देख लो हमारा गेमिंग माउस, गेमिंग पैड, यहाँ पर सब कुछ है, कीबोर्ड माउस सब कुछ यहाँ पर, कितना फैला हुआ था सब कुछ था। और यहाँ देखो यहाँ पर मदरबोर्ड है, देखो क्या ही लुक आ रही है। और यहाँ पर हमारा कैबिनेट रेडी हो रहा था सब कुछ, यहाँ जल्दी जल्दी हम लोग कर रहे थे, हम लोगों को लगभग 4 से 5 घंटे लग गए। कुछ इसमें सामान ही खोजने में बहुत टाइम लग गया, थोड़ा मोटा टाइम लगा, ज़्यादा नहीं, 4 से 5 घंटे हम लोगों को लग गए। और ये देखो यहाँ पर हमारा ये मॉनिटर भी था, और यहाँ से हमारा ये यहाँ पर अब मदरबोर्ड लगने जा रहा था, काफ़ी इजीली लग चुका था, कोई दिक्कत नहीं आई, कोई प्रॉब्लम नहीं है, भैया काफ़ी अच्छे से यहाँ पर लगा रहे थे सब कुछ, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं आ रही थी। ये देखो यहाँ पर हमारा मदरबोर्ड काफ़ी अच्छे से लग चुका था। यहाँ पर रैम, 2 रैम लगी थी जिसमें 8-8 GB की 2 रैम, और यहाँ देखो यहाँ पर हम इसमें कूलर भी लगा रखा था, और यहाँ देखो यहाँ पर मेरे पास RTX 3060। सो गाइस अगर कोई गलती हुई तो सॉरी, मेरे को कमेंट में बता देना, और हाँ सेटअप वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। सो गाइस तो आज की वीडियो में बस इतना ही, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।